वो अपने आप को बाप समझने लगा है, पहले बेटा था अपना, आज बाप समझने लगा, लेकिन एक बार उसे पता नहीं कि हम दादा बन चुके हैं। तो पहले तो उस पाकिस्तान के लिए चार लाइन है, तालियां उतनी उठे कि यहाँ से इस्लामाबाद पहुंचे। अरे पाकिस्तान क्यों कर रहा है आतंक कश्मीर पर, अरे पाकिस्तान क्यों कर रहा है आतंक कश्मीर पर, तभी तो करते हैं सभी देश धू धू तुझ पर रोज। अरे रोज रोज मिटाता है हजारों की तकदीर, फिर भी कहता है मुझे चाहिए कश्मीर। अरे क्या कश्मीर को समझता है अपने पाप की जागी, अगर अब जंग की कोशिश की तो बन जाएगा फकीर। और ये चार लाइन है, जो एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो बार बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो गलतियों पर गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो हर गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। आंखों में प्यार नहीं, अरे आंखों में प्यार नहीं, दिल में जज्बात नहीं, और कश्मीर को हिंदुस्तान से जुदा कर दे पाकिस्तान की औकात नहीं। और उन हिंदुस्तान के बेटों के लिए कुछ तो ऐसे हैं जो सियाचिन में -10 डिग्री पर शहीद हो जाते हैं, और कुछ नेता लोग कहते हैं हमने 10 लाख तो दे दिए उन्हें और क्या चाहिए। ये राजनेता हैं, ये राजनीति समझते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि राजनीति उससे ऊपर एक राष्ट्रनीति होती है। तो अब मैं अपने उन हिंदुस्तान के बेटों के लिए कुछ कहना चाहूंगा, जो लोग अभी भी सोए हैं उनके लिए, पठानकोट से उरी तक तुमको, अरे पठानकोट, ये सब आप युवाओं के लिए जो भारत के भविष्य निर्माता यहाँ पर बैठे हैं, पठानकोट से उरी तक तुमको है किसने खामोश रखा, अरे पठानकोट से उरी तक तुमको है किसने खामोश रखा, घाटी में जो खून बहा उसका ना किसी ने जिक्र किया, अरे कहाँ गया वो खून भगत का, इस खून में वो औलाद नहीं, और जो लोग अभी भी सोए हैं भारत माँ की वो औलाद नहीं, जो लोग अभी भी सोए हैं। जय हिंद।